गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं अपने किचन का सेटअप देखने के लिए, मतलब किस तरीके का हम लोग सेटअप करेंगे वो, फिर क्या माइका लगेगा, फिर उसके बाद कैसा डिज़ाइन होगा, सब कुछ आज हम थोड़ा सा देखने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी लेके चलेंगे। तो चलिए अभी हम निकल रहे हैं, बहुत लेट हो रहा है। सो ये फर्स्ट शॉप था जहाँ हम गए थे एंड कुछ किचन मॉडल्स उन्होंने ऑलरेडी बना के रखा था, डिफरेंट टाइप्स के चैनल, बास्केट, प्रोफाइल्स एंड जो भी करंट एक्सेसरीज किचन इंटीरियर में यूज़ होते हैं वो सबका सैम्पल वहाँ फिट किया हुआ था, जिससे कि ना हमें एक फेयर आइडिया मिल गया। वैसे ये सारी चीज़ें हमने बहुत बार किचन में देखा है, बट डिफरेंट एंड कौन सा अच्छा होगा, कौन सा हमारे पॉकेट के साथ जाएगा, क्योंकि हम एक बजट लेकर चल रहे हैं और उसी बजट में हमें सब काम करवाना है। देन किस तरीके का लैमिनेट यहाँ पे यूज किया है वो सब कुछ भी हम देख रहे थे। लैमिनेट्स में भी आपको अच्छा खासा वैरायटी देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू प्राइस रेंज ऑब्वियसली। यहाँ पे मैं सारे बॉक्सेस एंड टॉल यूनिट जो स्टोरेज के पर्पस में यूज होते हैं वो सब चेक कर रही थी कि क्या इस्तेमाल किया गया है, मटेरियल क्या है एंड कितना स्पेस यहाँ पे मुझे मिलेगा, बिकॉज मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है और मुझे इस तरीके से उसको डिज़ाइन करना है ताकि वो मैक्सिमम फंक्शनल हो। एंड देन हमने उनसे बात किया, हमारा रिक्वायरमेंट हमने उनको बताया एंड वहाँ से हमने एक कोटेशन लिया कि ये काम हम करवाएंगे तो कितना तक जाएगा, उसका एक फेयर आइडिया हमने लिया। एंड देन उसके बाद हम ये नेक्स्ट शॉप में आ गए एंड हम जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे हमने कोटेशन लिया है ताकि बाद में हम उसको कैलकुलेट कर पाए एंड जो भी हमें अच्छा लगेगा फिर हम उसके साथ जा पाए, यही सोच के हमने हर जगह से एक कोटेशन लिया है। तो आप कभी भी इंटीरियर के रिलेटेड अगर आप किसी के साथ मिलते हैं या बात करते हैं या कारपेंटर से भी आप बात करते हैं तो हमेशा एक कोटेशन लीजिए, एकदम एप्रोप्रिएट तो वो नहीं बता पाएंगे बट जो भी आपका काम है उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेट एक फिगर अगर आपको पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे कि किससे आप ये काम करवाएंगे। एंड बहुत टाइम पे हमने ये भी फेस किया है कि सेम मटेरियल के ऊपर दो अलग कंपनी अलग फिगर हमें बता रहे हैं, तो ये सारी चीजें आगे जाके आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, तो इसीलिए हमेशा आप कोटेशन मांगा कीजिए। कुछ कुछ इंटीरियर होते हैं जो लोग आपके साइट विजिट किए बिना आपको फिगर भी नहीं देना पसंद करते हैं एंड साइट विजिट के लिए वो चार्ज करते हैं जो कि ना रिफंडेबल नहीं होता है अगर आप उनसे काम नहीं करवाओ, तो वो चीजें भी आपको देखना पड़ता है। अगर उनका काम आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया है देन आप उनको शॉर्टलिस्ट करके एक बार साइट विजिट करवा सकते हैं। सो ये वाले शॉप में लेटेस्ट बहुत सारे डिजाइन देखने को मिला हमें एंड ये वाला किचन सेटअप का कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मैंने कुछ अलग सोच के रखा है अपने किचन के लिए। ऐसा कॉम्बिनेशन ना अगर आपका काउंटर टॉप लाइट कलर में है तो बहुत अच्छा लगता है, बट क्योंकि हम कोई सिविल चेंजेस नहीं करवा रहे हैं तो हमारा जो काउंटर टॉप है वो ब्लैक कलर में है जो कि ना बाय डिफॉल्ट बिल्डर की तरफ से मिलता है, तो इसके लिए मैंने कुछ अलग सा कॉम्बिनेशन सोचा है जो आगे आप लोगों को पता चलेगा। ये एक पैंट्री यूनिट है डबल डोर का, ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है ग्रोसरी स्टोर करने के लिए, अगर आपके पास स्पेस की कमी है देन आप सिंगल डोर वाला भी बना सकते हैं। ये और एक सेटअप था। सो यहाँ पे ना कटलरी जो हम रखते हैं वैसा बहुत सारे ऑप्शंस वो हमें दिखा रहे थे, जैसे ये वुडन का है और ये आप कैसे भी शेप में रख सकते हो, मतलब आपका जितना भी ड्रायर का साइज रहेगा उस अकॉर्डिंग आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। देन ये और एक ऑप्शन है, ये जस्ट आपको लाकर बिठा देना पड़ता है तो ये अलग से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वैरायटी बहुत अच्छी थी और जो शॉपकीपर थे वो भी बहुत अच्छे से हर एक चीज समझा रहे थे एंड बेस्ट पार्ट था कि इन्होंने हर एक अलग अलग मटेरियल का एक एक ड्रायर बना के रखा है ताकि देखने वाले को समझ में आए कि क्या क्या मटेरियल होता है और उसका प्राइस डिफरेंस क्या है।
अभी वो हमें एक कॉर्नर सेटअप दिखा रहे थे। बहुत सारे किचन होते हैं जो एल शेप के होते हैं, यू शेप के होते हैं, तो उस टाइम पे ना एक दिक्कत आती है कॉर्नर को लेकर, तो उसको हम कैसे यूटिलाइज करें वही हमें दिखा रहे थे। एंड ये वाला जो शटर आप देख रहे हो ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें शेल्फ बने हुए हैं तो आप इजीली इसमें माइक्रोवेव भी रख सकते हैं, एंड अगर एक्स्ट्रा फूड बच गया तो उसको भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये हाइड्रोलिक कैबिनेट्स हैं, इनमें आपको सिंगल डोर भी मिलेगा एंड ऐसे फोल्डेबल भी मिल जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे सारे ही लैमिनेट्स आपको सैंपल के तौर पे दिखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे वैरायटीज हैं, उसका अलग से बुक आता है तो वहाँ से आपको चूज करना पड़ता है, तो आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी एंड डिफरेंट मटेरियल भी है। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग आप अपने मनपसंद वाला लैमिनेट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भैया हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहे थे कि क्या क्या लैमिनेट्स आपको मिल जाएंगे, ग्लॉसी में और मैट फिनिश में, तो जैसा भी आपको पसंद है तो उस अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। देन ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, ये है बेसिन, ऐसा भी आपको अलग से मिलता है। ये उसका मटेरियल का कुछ सैंपल है, इस तरीके से आप अलग से बेसिन जो है उसको डिजाइन करके फिट करा सकते हैं अपने घर में। एस्टिमेशन देख के हालत खराब हो गई। कैसा कितना लगेगा? अच्छा लगा, कुछ कुछ डिजाइन्स अच्छे लगे। आप लोगों ने तो देखा कैसा है। और कोई शॉप है क्या यहाँ पे? जा सकते हैं उधर आगे, जा सकते हैं, चलना है। चलो आज जब निकले तो देख चलो लेते हैं। लगाओ सैनिटाइजर। ये जिंदगी रह गई हमारी, सैनिटाइजर घसो, मास्क पहनो। ये एक्चुअली यहाँ पे धूप नहीं लग रहा है, ये जो सीलिंग ऐसा है और बाहर बहुत ज्यादा धूप है। अरे 40 डिग्री चल रहा है महाराष्ट्र में, 40। तो आप लोग जब तक ये वीडियो देखोगे तब तक तो मतलब ये पहले का हो चुका है, बट अभी का सिचुएशन मैं बता रही हूँ। बहुत गर्मी है और उसमें हम निकले हैं क्योंकि ये काम भी करना है। तो आज हम जा रहे हैं नॉर्मल जो कारखाने पे किचन कैबिनेट्स बनते हैं ना, वहाँ पे। सो थोड़ा वहाँ पे भी देखना था कि कैसा बनता है, अगर इनको हम बताते हैं तो क्या ये आके बना देते हैं कि नहीं। तो हाँ, अगर आप इनको अप्रोच करोगे तो ये आके आपके घर में मेजरमेंट लेकर जाते हैं एंड उस अकॉर्डिंग कैबिनेट्स वगैरह सब कुछ बना देते हैं। इसके बाद हम और दो तीन शॉप में गए थे बट वो क्लोज था, एंड देन हमने डिसाइड किया कि चीकू शेक पीने जाएंगे। ये हम दोनों का ही बहुत फेवरेट है, तो बस हमने चीकू शेक पिया और उसके बाद घर वापस आ गए। आज सुबह घर से निकलते ही मुझे ये छोटा सा दोस्त मेरा मिल गया। इसकी जो मम्मी है वो हमारे सोसाइटी में ही रहती है, बट ये मुझे थोड़ा सा दूर में मिला सोसाइटी के, तो मैं वहाँ पर रुक के उससे बात कर रही थी। तो मुझे डॉग्स बहुत पसंद है, बट सत्या को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो घर पे अलाउ नहीं करते है, वैसे वो रुक के उनका ख्याल रखते है। तो बस मैं यही आशा करती हूँ कि सत्या कभी मन बदले तो मैं भी घर में एक डॉगी लेके आ पाऊँ। इसके बाद हम ये वाले शॉप में आए थे जहाँ पे भैया गायब थे, पूरा दुकान खोल के वो चले गए, तो कुछ देर हमने वेट किया एंड देन हम वहाँ से निकल गए। फिर हम आए ये वाले शॉप में, ये वाला शॉप मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। इन्होंने हर चीज नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है, बट इनका प्राइस भी अच्छा खासा ही था। अच्छा, मैं एक चीज बताती हूँ, जो मटेरियल यहाँ पे यूज होता है ना, वो आप लोग अगर मैन्युफैक्चरर से पूछोगे ना तो उसका जो डिफरेंट है वो आपको पता चलेगा।